हेलो माय डियर प्योर सोल्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। दोस्तों, आज मैं एक टेक्निक लेके आई हूँ जिसको 777 मैनिफेस्टेशन कहते हैं। ये टेक्निक बहुत सिंपल है, इसको आप लव के रिलेटेड भी कर सकते हो और इसको आप अपनी जॉब के रिलेटेड भी कर सकते हो। इस टेक्निक को करने से पहले आपको मेडिटेशन करना है। अगर आपने मेरी मेडिटेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको देख लें एक बार, और फिर आपको इस टेक्निक को करना है। अब मैं बताती हूँ इस टेक्निक को करना कैसे है। इस टेक्निक के लिए आपको एक जर्नल चाहिए, चाहे आपके पास कोई डायरी हो जाए, कोई कॉपी हो जाए, कुछ भी। मैंने तो ऐसे बहुत सारे जर्नल रखे हैं और मेरी जो भी कोई विश होती है तो मैं उनमें लिख लेती हूँ, ठीक है। इसके लिए आप चाहे डायरी ले लें, चाहे आप ऐसे वाला जर्नल ले लें, चाहे ये ले लें, ओके, चाहे आप ये जर्नल ले लें, चाहे आप ये वाली कोई भी कॉपी ले सकते हैं, कोई बड़ी हो छोटी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ मतलब जर्नल होना चाहिए जो आपका प्राइवेट हो, जिस पे आप अपनी विश लिखें और फिर उस जर्नल को आप कहीं पर रख दें, ठीक है। अब इसको हमने करना कैसे है, ठीक है। इसके लिए आपको एक जर्नल तो चाहिए, साथ ही इसमें आपको एक रेड पेन की ज़रूरत है। रेड पेन होना चाहिए, अगर लव के रिलेटेड कर रहे हो तो आपको इसके लिए रेड पेन चाहिए, ठीक है। इसमें विश लिखने से पहले आपको मेडिटेशन करना है, फिर आपने अपनी एक विश डिसाइड कर लेनी है कि आप अपने पर्सन की कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हो या मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप जॉब का सोच रहे हो तो आपको उस कंपनी में जॉब क्यों चाहिए और कितनी सैलरी पे चाहिए, मतलब आपको पहले डिसाइड होना चाहिए कि आपको ये, अगर आप मैनिफेस्टेशन करने लगे हो तो आपको वो पूरा डिसाइड होना चाहिए कि आपके पास कुछ भी है, कॉपी है या आपके पास कोई डायरी है, आप उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इस मैनिफेस्टेशन को आपने करना कैसे है, इस मैनिफेस्टेशन को हम 7 डेज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम एक बार मॉर्निंग में लिखते हैं और एक बार हम इवनिंग में लिखते हैं, 7 बार लिखते हैं। अपनी विश को 7 बार लिखना है, इसके लिए हमें रेड पेन की ज़रूरत है और इसको हमने करने से पहले मेडिटेशन करना है, ऑल राइट, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको करना कैसे है। ये देखें, ये मैंने एक डायरी ली है। अब हम इस पर, आप पहले अपनी विश सोच लीजिए कि आपको क्या चाहिए, अपने पर्सन की कॉल चाहिए या आपको मैसेज चाहिए। अगर जॉब के रिलेटेड आपने करनी है तो आप ये देख लें कि आपको किस कंपनी में जॉब चाहिए और कितनी सैलरी चाहिए, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ कि इसको हमने लिखना कैसे है। यहाँ पे आप जी, अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है मुझे मेरे पर्सन की कॉल आ गई है, ठीक है। पर्सन की जगह, ये देख लो आप, पर्सन की जगह आप अपने, मैंने तो नाम नहीं लिखा, आप अपने पर्सन का नाम लिखेंगे, ओके। फिर आप लिखेंगे थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, ओके। आप इसको आप 7 बार लिखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके। आपने ऐसे 7 बार लिख लिया, फिर आपने नीचे लिखना है, यहाँ पे आप लिख सकते हो या आप नीचे से नीचे लिख सकते हो, एक मिनट, हाँ जी, आप देखें, अब आप लिख सकते हो थैंक यू गॉड thank you my dear beautiful angels, thank you thank you
थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। आई एम सो हैप्पी। अच्छा ये देखिए, आपको दिख रहा होगा ना, एक मिनट, ठीक है, अब आपको दिख रहा है। आपने ऐसे लिख लिया या आपने मॉर्निंग में लिखा, कोशिश करें आप थोड़ा जर्नल या डायरी या रजिस्टर भी ले सकते हैं, आप थोड़ा बड़ा ले लो, ठीक है, क्योंकि एक पेज भी आए तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये तो मैंने आपको एक डेमो सा दिया है। आपने मॉर्निंग में लिखा 7 बार, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दिया। अब ऐसे ही आपने इवनिंग में लिखना है 7 बार, ठीक है, और ग्रेटिट्यूड देना है। और आपने अपनी ऐसे ही आपने अपनी वाइब्रेशंस भी हाई रखनी है। आपने नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। आपने इसको लिखते समय बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। ये नहीं सोचना है कि यार उसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया, मैं तो उसका चेहरा नहीं देखूंगी, उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। ये आपने ऐसे बिल्कुल भी माइंड में नहीं लेके आना है। अगर आप चाहते हो कि आपका आपके रिलेशन में मतलब कि स्ट्रॉन्ग हो, तो आप इसको फुल वाइब्रेशंस में लिखोगे, हैप्पी होके लिखोगे और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दोगे। इवनिंग में अगर इन दोनों मॉर्निंग टू इवनिंग में 7 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हो तो शाम को आप 7 बजे करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप इवनिंग में 7 बजे लिख सकते हो। वैसे ही पहले आप मेडिटेशन करोगे, डीप ब्रीथ करोगे, मेडिटेशन करोगे, देन फिर आप अपनी पूरी फीलिंग्स के साथ आप अपना इसको 7 बार अपनी विश को लिखोगे, ठीक है, फिर आप नीचे यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दोगे, ठीक है। ऐसे ही आपने अपनी जॉब से रिलेटेड लिखना है कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है। उसमें आपने क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे अपने पर्सन का नाम लिखा, उसमें आपने अपनी जिस कंपनी में आप जॉब चाहते हो उस कंपनी का आप नाम लिखोगे। आप लिखोगे मुझे मेरी जॉब मिल गई है, या जॉब मिल गई है, किस में मिली है, उस कंपनी का नाम आप मेंशन करोगे, ओके। फिर आप क्या करोगे, इसको लिख के जैसे मॉर्निंग में लिखा तो इसको लेट गो कर दोगे। आप सारा दिन ये नहीं कि डेस्परेट होकर आप फ़ोन चेक कर रहे हो, यार मैंने सुबह लिखा तो मैसेज तो आना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं करना है। कईयों को तो रिज़ल्ट 2 दिन के अंदर आ जाता है। अगर आपको आंसर या मैसेज या कॉल आ जाती है तो अब आपने इसको छोड़ना नहीं है, अपने पूरे 7 डेज करने हैं इस विश को, पूरा 7 डेज इसको कंप्लीट करना है, ओके। अगर आपको 7 डेज के बाद भी रिज़ल्ट नहीं आता, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिश्ते में थोड़ी सी नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है तो रिज़ल्ट थोड़े लेट मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम मेरे पास और भी टेक्निक है, मैं आपको एक 21 डेज़ वाली भी टेक्निक बताऊंगी, वाटर थेरेपी बताऊंगी, बहुत सारी टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपने इसको करना है, अभी मैं फिर से बता रही हूँ, आपने इसको 7 डेज़ तक करना है। 7 टाइम लिखना है मॉर्निंग में और 7 टाइम लिखना है इवनिंग में। पहले आपको डीप ब्रीथ करना है, मेडिटेशन करना है, तब आपने इसको फिर इसको फुल वाइब्रेशन से फुल फीलिंग के साथ लिखना है और हैप्पी होके लिखना है और पॉजिटिव होके लिखना है, ओके। अच्छा जी, फिर हमने क्या करना है, इसको लिख के लेट गो कर देना है, ठीक है। इसके लिए हमने रेड पेन यूज़ करना है, चाहे आप कंपनी अपनी जॉब के लिए कर रहे हो कुछ भी, तब भी आपने रेड पेन ही यूज़ करना है, ठीक है। तो और आपको इसको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है, और कंप्लीट करके इसको लेट गो कर देना है। इस डायरी को कहीं रख देना है और बार बार चेकिंग करना है, डेस्परेट नहीं हो जाना है, ठीक है, और इसको करते हुए पूरी फीलिंग के साथ हैप्पी हो, ओके। चलो जी, आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आ रही हूँ, वो हम 21 डेज वाली करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय एंड टेक केयर।